काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है, उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है, रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, एक पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इनने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे, इनने फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर, आरबीसी 6-4 का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बाढ़ और अतिवृष्टि में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस ने तो एक महापाप और किया, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो दिल्ली से आना था प्रधानमंत्री जी भेजते, उसकी सूची तक किसानों के नामों की प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को नहीं दी, और इसलिए लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया। ये तो महा झूठ पत्र फिर निकाल रहे हैं, जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। और मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस, वो ही सर्वे करा रहे, वो ही टिकट बांट रहे, टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो दिग्विजय जी के, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे, पुतले जला रहे, दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली मध्य प्रदेश में, जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में दो हिस्सों में बट गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। कमलनाथ जी ने तो इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया, अब वो कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश, अपने समर्थकों के लिए इंडी गठबंधन के जो पार्टनर है उनके लिए ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना कांग्रेस का कोई भविष्य है।